नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। जब कभी भी हम किसी पुलिस अधिकारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पुलिस अधिकारी को लेकर एक डर या एक एक भयावहता का एक मंजर सामने आ जाता है। की इमेज को लेकर हमें लगता है कि अरे ये पुलिस अधिकारी है तो हमें इनसे डरना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो लोगों के बीच काफी मशहूर है, वही आम जनता भी इनसे काफी ज्यादा प्यार करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डीएसपी राजेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर गुड न्यूज टुडे डिजिटल में। बहुत शुक्रिया नाजिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी दो इमेज है, एक तो जनता के सामने जो बहुत ही प्यारी सी इमेज है, जनता को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जनता भी आप पे उतना ही ज्यादा प्यार उठाती है, वही दूसरी तरफ जो जो अपराधी है वो आपसे कांपते हैं, आपसे डरते हैं, तो ये जो दो तरह की इमेज है वो आप कैसे मैनेज करते हैं और ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए? असल में देखो मैम, वैसे तो सब कुछ बहुत ही आसान है। देखो, जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं फादर के रोल में होता हूँ, कभी भाई के रोल में, कभी हस्बैंड के रोल में, तो मैं उस तरह का टैकल करता हूँ। जब बाहर निकलता हूँ, कोई फ्रेंड मिल गया, उसके साथ अलग से है। तो हर आदमी अलग अलग रूप में एक इस संसार में रहता है। तो इसी तरीके से वही है कि जब आप अपराधी के साथ हो तो कानून के हिसाब से बात करेंगे, और जब हम आम जनता है, हमारे देश में अपराधी हैं भी नहीं, आप अगर देखा जाए ना तो कई हजार में से एक अपराधी हैं। तो हमें स्विच ऑन और ऑफ करने की टेंडेंसी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, हर पुलिस अफसर के दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर कोई सामान्य आदमी, नागरिक मिलता है तो मैं उससे कैसे डील करूंगा, और क्रिमिनल मिलता है तो उससे। सर, आपको क्या लगता है पुलिस व्यवस्था को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? मैडम, एक तो थोड़ा सा मैन पावर की कम पूर्ति हो जाए। एक हरियाणा में जिस तरह से पहले, आज से 8 साल पहले तक कोई पुलिस में 90% जो रैंक है वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का है, मोर देन 90%। और उसके लिए कोई रिटन टेस्ट ही नहीं था, उसमें सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता था और उसमें आदमी अपॉइंट हो जाता था। तो उसमें फिर थोड़ा सा ये रहता था कि पता नहीं इंटेलिजेंट है कि नहीं है। अब क्या हो रहा है, पिछले 7-8 साल से जो भी रिक्रूट हरियाणा में पर्टिकुलरली, तो जी उसमें एक रिटर्न टेस्ट हो गया, तो उसमें कंपटीशन लड़के लड़के जो आ रहे हैं तो उससे सुधार निश्चित रूप से होगा ही होगा। दूसरा, ट्रेनिंग भी वैसे तो अच्छी है, पर ट्रेनिंग में थोड़ा सा अगर हमारा विभाग एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर ले कि ह्यूमैनिटी और सिखाना शुरू कर दें, हम अपने जितनी फोर्स है उसको थोड़ी दया भावना सिखाना शुरू कर दें, तो अपने आप बाकी की चीजें भी सुधर जाएंगी। सर, आप महिला पुलिस अधिकारी जो हैं उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? महिला पुरुष अधिकारी की खुद की सुरक्षा, वो तो खुद ट्रेंड है जी उनको, बल्कि कांस्टेबल का 9 महीने की और सब इंस्पेक्टर को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें आपको जहाँ का लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कानूनी बातें हैं, वो सिखाई जाती हैं, साथ में उनको फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है, सेल्फ डिफेंस, कम्बैट, फायरिंग, ये वो सब दिखाया जाता है। तो महिला सुरक्षा तो वो तो खुद ही करेंगी। सर, आप जब फरीदाबाद से आपका ट्रांसफर हो रहा था तो वहां के लोग भी सड़क पे उतर आए थे, उनका कहना था कि राजेश जी को वापस नहीं जाने दिए, एक अटैचमेंट जो था वो सबके सामने उस वक्त नजर आया था, तो उस वक्त आपने इतना क्या खास किया था उन लोगों के लिए कि जनता ने इतना ज्यादा मैम, प्यार दिखाया? इसलिए मैं धन्यवादी हूँ आम आदमी का, हर एक जो भी लोग हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ASI था तो पटौती में इसी तरह का स्टेशन हुआ था, जब सब इंस्पेक्टर था, मतलब सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद या सिरसा, जहां भी हुआ वहां वहां लोगों ने ऐसा प्यार दिया। तो आम तौर पे जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ, तो वहाँ 1 साल पुलिस की नौकरी करी, तो जो काम होने का है, जो ऑन मेरिट काम है, वो निश्चित रूप से अपने आप होगा, आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं रहती। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक है, हर आदमी सोचता है कि मैं पॉलिटिकल उससे करवाऊंगा जुगाड़, या कोई पैसे से कुछ करवा लूंगा। तो अगर बिना किसी इंटरवेंशन के आप ऑन मेरिट काम लोगों का करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा जुबान से उनसे पोलाइट रहते हैं, बदमाशों के साथ मैंने इनकाउंटर भी कर रखे हैं, तो वो जिसका जो इनकाउंटर वाला जो डिजर्व करता है, अगर वो सामने से मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है तो वो मैं करूंगा ऑब्वियसली। परंतु एक आम आदमी अगर मेरे पास, उसके उसको लिए मैं पोलाइट हूँ और बढ़िया हूँ, तो सर, उसको मैं आपकी किसको मैं जिंदगी दूँ। का ओके सर
सर, आपकी जिंदगी का सबसे जो यादगार एनकाउंटर रहा है या किसी अपराधी को आपने पकड़ा है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? पकड़ने वाली बात तो है, सैकड़ों हैं, पकड़ने वाली बात तो सैकड़ों की संख्या में है, पर जहां तक इनकाउंटर की बात है तो गुड़गांव में ही रहते रहते जैसे जो जो इनकाउंटर रहते ना, उनमें से एक था जिसमें कोर्ट में ही एक अपराधी था, उसने कोर्ट में कस्टडी में एक आदमी था उसको गोली मार दी थी, और बाद में वो बाथरूम में छुप गया था। तो जब हमारे और हमारी टीम ने जब उसको वो अंदर से बुलाया, बाहर निकल तू इसमें, तो उसने फायर किया और फिर वो उसमें इनकाउंटर हुआ और वो कोर्ट के बाथरूम में ही मारा गया वो। तो वो एक बड़ा वो है कि कोर्ट में, क्योंकि, और ये बात है 2006 की जब मैं सब इंस्पेक्टर था, तो 2006 से पहले गुड़गांव की कोर्ट में हर 6 महीने में फायरिंग होती थी। आप देखोगे इतिहास उठा के तो हर साल में 6 महीने में एक बार भी फायरिंग हो जाती थी उसके 2-4 साल उससे पहले के टाइम में, परंतु 2006 से आज तक गुड़गांव कोर्ट में फायरिंग नहीं हुई। तो एक मैसेज भी जाता है बदमाशों को कि अगर तुम अगर करते तो पुलिस के पास भी हथियार है, पुलिस हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठेगी, वो एक्शन भी होगा। सर, बच्चों के साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफी देखने और सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया पर आए दिन आपके वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का जो स्कूल में जो शिक्षा है उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी क्या इस तरीके से अगर जाएंगे स्कूलों में तो बच्चों को एक तरह का सपोर्ट या एक तरह की ताकत मिलेगी जो जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा? इसके लिए मैडम हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों के दिमाग में शुरू से ये इमेज डाली जाती है कि पुलिस डराने के लिए। मैं कई बार कहीं सूरजकुंड मेला या कहीं भीड़ में जब भी ड्यूटी की है तो अक्सर कोई ना कोई माँ अपने बच्चे पकड़ के लगती है, सर इसको धमकाओ, इसको डराओ। तो मैं क्या, हमारी रेपुटेशन तो पहले ही खराब है, कुछ इन छोटे बच्चों के दिमाग में ही हम ये डाल दें कि ये डराने के लिए हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो मैं स्कूल्स में जाके बच्चों से अक्सर इंटरेक्ट करता हूँ ताकि एक तो वो इमेज सुधरे, और दूसरा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ बाप या टीचर नहीं कर सकते, वो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं उनके साथ करता हूँ, ताकि छोटी बच्चियाँ आजकल जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अननोन आदमी उनके संपर्क में आके और वो कुछ डैमेज कर जाता है और उनको इस तरह बहका ले जाता है और घर से निकाल लेते हैं बाहर उनको, तो एक वो, और दूसरा नशे की चीज जो आज की डेट में बहुत फैली हुई है, तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि नशा से बच्चा कैसे बच सकता है। तो उसको छोटी उम्र में ही थोड़ा सा उसको अवेयर कर दिया जाएगा तो वो भविष्य में थोड़ा सचेत रहेगा। 1,000 बच्चों को समझाएंगे अगर 2 भी सुधर जाएं तो भी बहुत है जी। और अब जैसे नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें बदलाव निश्चित रूप से होगा ही होगा, जैसा मेरी बात होती है कुछ ऐसे जो विद्वान लोगों से, और उसमें स्कूल एजुकेशन में भी बच्चों के साथ नैतिक शिक्षा थोड़ी ज्यादा जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आर्किमिडीज और ये वो सब चीजें हम पाइथागोरस सीखते हैं जो पढ़ते हैं, पर जब नॉर्मल लाइफ में उनमें से 1% आदमी भी उस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाता तो वो काम आती नहीं है। जो काम आती है वो व्यवहारिक बातें होती हैं, वो सिखानी चाहिए ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरी फैमिली एक्चुअली, मेरे फादर भी पुलिस ही विभाग में थे और उन्होंने नॉर्मल नौकरी करी, श्री दरियाव सिंह जी, वो अब तो स्वर्गवास हो गया। उनका मदर हाउसवाइफ थी, 2 बहनें हैं मेरी, वो एक जयपुर में रहती है शादीशुदा है और एक रेवाड़ी में रहती है। हालांकि मेरी भांजी भी अब सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में डायरेक्ट लगी है, रोहतक पोस्टिंग है उसकी, तो लोहिना, और भांजा वो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मेरी वाइफ जो है निर्मला, वो यहीं फरीदाबाद की रहने वाली हैं और वो एक अच्छी होम मेकर हैं, और बच्चों को तो सारा मैं उन्हीं को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने अच्छी परवरिश की है बच्चों की। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है कल्पना, वो यहाँ चपराना फैमिली है, हरिनगर में, दिल्ली में रहती है वो, स्कूल है उनका और अपना बिजनेस है, और जो इनलाज हैं वो प्रॉपर्टी का, और मेरे जो दामाद हैं वो भी निखिल चपराना, वो भी प्रॉपर्टी का और वैसे लॉ की हुई है। और मेरा बेटा है दीपांशु, वो बीटेक करके और वो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो सब बढ़िया है, लगे रहते हैं समाज सेवा में सब लोग। सर, फैमिली से याद आया, मतलब आपकी एक तरीके से देखा जाए तो दो फैमिली है, एक तो बाहर है जो आपकी जनता है, दूसरा आपके घर में। तो दो फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हैं? कभी दो फैमिली, बाहर की जो फैमिली उसको मैनेज करने में घर वाली फैमिली के साथ कभी झगड़ा हुआ है?
कोई एक किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? दरअसल टाइम का तो रहता है जी दिक्कत थोड़ी सी, क्यों बाहर ज्यादा सर्कल होने के बाद समय जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है, और लाइफ क्या है, जिंदगी भी टाइम मैनेजमेंट ही है बस जिंदगी। तो ये बात सही है, परंतु एक बात मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे निश्चित रूप से है कि दुर्भाग्य से अगर मैं आज आईसीयू में पहुंच जाऊं तो उस आईसीयू के गेट के बाहर कौन खड़ा मिलेगा? वो बहुत ही सेलेक्टेड से लोग हैं, मेरी फैमिली है, बाहर के जो हजारों लोगों का सर्कल है उसमें से चंद लोग ही होंगे जो इस तरह की समस्या में आएंगे। और मैं अपने जूनियर्स को भी हमेशा समझाता हूँ, जब भी किसी के घर में कोई खुशी होती है, गम होता है, तो मैं कहता हूँ उनको समय दो, क्योंकि जहाँ मैं आज मैं डीएसपी हूँ, सीएम फ्लाइंग में है, और या मैं एसीपी था, तो अगर मैं आज भगवान ना करे मैं नहीं रहा तो क्या होगा, 1-2 दिन 4 दिन हो सकता है कोई याद कर ले, वरना तो जो थे वहां कोई अगले दिन आके बैठ जाएगा दूसरा अफसर कोई, और वो रूटीन में वो काम चलता रहेगा, वो सीट खाली नहीं रहेगी कभी भी। परंतु मेरी फैमिली में अगले 50 साल तक मेरी सीट कोई नहीं ले सकता, वो खाली रहेगी, मेरे सीनियर या जूनियर जो भी मेरे संपर्क में है वो हमेशा मेरे को याद करेंगे। तो ज्यादा प्रायोरिटी हमें अपने परिवार को देनी चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए और समय देना। बिल्कुल सर। सर एक बात और, जो आपकी बेटी की शादी से जुड़ा हुआ किस्सा है, आपने अपनी बेटी की शादी में जितने शगुन मिले थे वो सब कुछ आपने दान कर दिया था, और जो मेहमान आए थे वो भी बहुत स्पेशल थे, आपने अनाथ अनाथ बच्चों को बुलाया था और आपने कार्ड भी नहीं छपवाए थे। सर ये आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग? असल में कार्ड बिना ही इनविटेशन दिया गया था, और मैंने उसमें लिखा था नीचे कि आप कन्यादान नहीं करवाएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये परंपरा किसी जमाने में शुरू हुई थी कि जब कोई लोगों के पास पैसे होते नहीं थे तो सब 1-1 रुपया देते थे, और उसमें थोड़ा बहुत जो इकट्ठा होकर बच्ची को एक हेल्प मिलती थी, पेरेंट्स को बच्ची की शादी करने में। अब वो चल गया रिवाज दूसरा, अब हेल्प वाला सिस्टम नहीं है। अगर मैं किसी गरीब के घर जाता हूँ तो मैं 100 रुपये कन्यादान करके आता हूँ, और किसी हाई प्रोफाइल में जाऊंगा तो मैं 11,000 रुपये करके आऊंगा। होना चाहिए उल्टा, कि जिसको जरूरत है वहां 11,000 करके आऊँ, जिसको जरूरत नहीं है। तो मैं एक आश्चर्यजनक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं आज तक कभी किसी की शादी में, जो मेरे से ठीक, मेरे को लगता है आर्थिक हालात इसकी ठीक है मेरे से, मैं उसको कभी भी 5 रुपये भी ना मैं कभी रिसेप्शन में देता हूँ, ना मैं किसी को कन्यादान देता हूँ। तो अब मेरे को भी नहीं आइडिया था कि लोग इतना वो करेंगे, उनसे जबरदस्ती दोपहर में शुरू होगी वहां पर फंक्शन, प्लेस ऑफ फंक्शन में, और तो मैंने फिर एक आदमी बिठाया, मैं अभी लिख ले वरना तो मेरे टाइम खराब करेंगे सब लोग। और जब लिखा तो रात को 10,78,000 रुपये, 11 लाख के करीब पैसा इकट्ठा हो गया, उसमें से 1 रुपया हमने रखा बेटी को दिया, और बाकी एक प्रयास, एक संस्था है यहाँ पे फरीदाबाद में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काम करती है, तो वो उनको रात को ही दे दिया था। हालांकि वो 2 दिन बाद वापस दे गए थे कि जी हम थ्रू चेक लेंगे, फिर वो बेटी के अकाउंट में डाला और फिर चेक से उसको ट्रांसफर किया था। और इसी तरह से बच्चों वाली बात है, मैंने जब सलाह की कि भाई ये अनाथालय एक है यहाँ पे, वहां से मैं अक्सर जुड़ा हुआ हूँ, तो इन बच्चों को भी इसमें सेलिब्रेशन में शामिल करेंगे, तो एक दो ने सलाह दी कि यहाँ के ये आपको माहौल खराब कर देंगे बच्चे, ये वो वहीं खाना वाना भेज दो इनके लिए। मैं तो नहीं, ये बच्चे जो यहाँ जो इंजॉय करेंगे, जब गोलगप्पे कहीं चाउमीन कोई कुछ जो भी खाने की चीजें बच्चों के लिए होती हैं, तो इनको पहले बुलाएंगे। तो वो बच्चे आ गए थे 6 बजे, 7-8 बजे तक रहे, शादी चलती रही साथ में, और अच्छा उन्होंने इंजॉय किया। वो उनके लिए भी, वो बच्चों ने कहा खुद ही कि जिंदगी में हमारे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो है ना, आपको खुशी चाहिए तो आप खुशी बांटना शुरू करो। मैं ऊपर अगर काली बॉल फेंकूंगा तो काली बॉल ही वापस आएगी, लाल नहीं होगी वो। तो अगर और कुछ खुशी पाने का कोई जरिया है ही नहीं जीवन में, कि आप जिस अगर जो चीज चाह रहे हो वो बांटना शुरू कर दो, अपने आप खुशी आएगी। सर जब आप यंग थे, जब आप हमारी एज के रहे होंगे, तब राजेश जी क्या सोचते थे, उनका क्या सपना था? असल में मैं, अगर मेरा देखा जाए ना, मैं बड़ा पढ़ाई में डफर था एक तरह से कहा जाए, मैं 11th में फेल हो गया था, और उसके बाद मेरे फादर साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे को समझ ही नहीं थी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10वीं के बाद एक बार फेल होने के बाद फिर मैंने पूरी अपनी एजुकेशन BA तक जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ा, और मैं साथ साथ में छोटे स्कूल में टीचिंग करता था या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता था, जो क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उस जमाने में प्राइवेट स्कूल बहुत कम लोग पढ़ते थे, तो मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश नहीं था, पर LKG या UKG से इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, तो थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों बच्चों को। और ऐसे ही फिर मैंने MA करी MD यूनिवर्सिटी रोहतक से, संस्कृत से, तो वहाँ भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था जाके घरों में, और भी छोटे मोटे काम साथ में करता था। तो मतलब 10वीं के बाद एक बार फेल होने के बाद मैंने घर से पैसे नहीं लिए उनसे, तो
ऐसे ही मेरे सारे सर्कल को भी पता है कि ये कैसे कैसे पढ़ा है। और क्योंकि हम फादर क्योंकि पुलिस में हेड कांस्टेबल ही थे उस समय, तो बाद में ऐसे लास्ट में बने थे, तो उन जो रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, तो भैंस भी घर में पालते थे वो, ताकि उससे हमारा गुजारा चल जाए, क्योंकि वो भी ऑनेस्ट रहे हमेशा, पुलिस लाइन में रहे ज्यादातर, आर्मर होते थे। तो तब से ही ऐसा ही है जी, नेचर तो आदमी की चेंज नहीं होती, आपका प्रोफेशन चेंज हो जाता है, नेचर वैसी का आपकी वही रहेगी अल्टीमेटली। स्ट्रगल शुरू से किया है सर आपने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप, खासतौर से बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, जो नौजवान है उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखो बच्चे जो है ना, जैसे छोटे बच्चे हैं 12-13 से पहले, वो कोई समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, मोबाइल मोबाइल यूज कर लेते हैं, कभी कभी एक आधा किस्सा आता है नेगेटिव। बाकी जैसे आप जैसे टीन एज में आते हैं, 13 और वो जो आते हैं 21 साल तक, वो उनका भी कसूर नहीं है, बॉडी में हार्मोन्स जैसे जैसे चेंज होते हैं ना, तो वो ब्रेन में भी इस तरह के केमिकल्स उनके तैयार होते हैं कि उनका खुद का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहता। तो ऐसे में माँ बाप भी सहम करें कि भाई ये इसके अंदर बदलाव हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट करें उस चीज को, और बच्चे भी उस चीज को एक्सेप्ट करें, और थोड़ा सा किसी अच्छे काम में जुट जाएं बच्चे, कोई एक हॉबी रखें अपनी, और सोसाइटी में थोड़ा सा अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। क्योंकि अगर आज कोई एक डॉक्टर है, एक उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा, कि एक डॉक्टर है और वो सर्जरी करता है, जो मरणासन्न लोग हैं उनको भी ठीक कर देता है, पर उससे पहले वो एक फॉर्म भरवाता है, और उसमें आपको मेंशन करना होता है कि भाई अगर आप बच गए तो क्या क्या करोगे, तो क्या क्या लिखेंगे आप समझ सकते हो। कोई ये नहीं लिखेगा मैं भ्रष्टाचार करूंगा, लूट मचाऊंगा, मैं अन्याय करूंगा, ये करूंगा, सब अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। तो हम मरने के टाइम इस तरह का सोचते हैं, तो वो अगर सारा जीवन अगर वो सोच के चलें इस चीज को, एक बना लें अपना मोटो कि भाई अगर मैं कल मरूंगा तो फिर मेरे को पछताना पड़ेगा, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसको समय नहीं दिया, क्या प्यार नहीं किया। तो बच्चे बच्चों को तो देशभक्ति की भावना, मैं जैसे बच्चों के पास जाता हूँ मैं पूछता हूँ, हाँ भाई देशभक्ति की भावना है, बच्चे सारे कहेंगे हाँ जी है, जी है, जी। कैसे दिखाते हो, तो सब ब्लैंक हो जाते हैं। तो उनसे पूछो तो बस 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडे वंडे दिखा लिए, या कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो गया तो सीटियां मार ली, बस उससे ऊपर उनको देशभक्ति कभी लगती नहीं है। तो वो हमें बच्चों को पैदाइश से ही, छोटे बच्चे से समझाना चाहिए कि हम अपना काम परफेक्टली कर लें, और मेरे आसपास जो आदमी मुझसे एक्सपेक्टेशन लेके आया है, चाहे मैं प्राइवेट काम करता हूँ या सरकारी, वो संतुष्ट होके जाए, तो इससे अच्छी देशभक्ति कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सर, हरियाणा में जो क्राइम है, जिस तरह के अपराध है उसको, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हरियाणा को सबसे ज्यादा, उस बारे में बताया जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, तो आपको क्या लगता है सर? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे तो हम बदनाम है कि सबसे ज्यादा क्राइम होता है, पर ऐसा नहीं है, हरियाणा में क्राइम सबसे ज्यादा होता है, परंतु वैसे ओवरऑल सभी के लिए, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस कानून ठीक है लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, पर वो पूरा कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे। उसके कंट्रोल करने के लिए घर से कंट्रोल हो, माँ बाप जो हैं वो बच्चों को, अब मान लो मेरे एक बच्चा है या दो बच्चे, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर लूँ, सामने बच्चों को कंट्रोल कर ले, तो ये देश तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, पूरा क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, अपनी फैमिली से ठीक होगा सब कुछ। तो अगर अपराध करना, हम बच्चों में संस्कार वैसे तो पूर्व जन्म से जो बंदा लेके आता है, कुछ अनुवांशिक रूप से माँ बाप से जो हेरिडिटिकली जो कुछ आता है उसके अंदर गुण, और फिर एक पर्सनैलिटी तैयार होती है, परंतु उसको तराशा जा सकता है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि ट्विंस जो एक ही माँ बाप में के घर में और एक साथ पैदा हुए, तो एक ही संस्कार, एक ही समय स्थान, सब कुछ एक ही है, परंतु एक बदमाश बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो वो बाहर का एटमोसफियर क्या है, कुछ है, किस तरह की इनपुट्स उसके डाली जा रही है बाहर से और या घर से, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सब उसमें काम बिल्कुल करें सब। सर, एक सवाल और, हमने सुना है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, इस बारे में मतलब ये सच है या ये सबसे ऐसे? अच्छी बात ये है कि कमाल ये है कि आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, परंतु खाने पीने का जी 6 महीने पहले मेरे को ऐसे ही 1 फरवरी इसी साल 1 फरवरी को ऐसे विचार आया कि 52-53 साल हो गए, बहुत दिन हो गए खा लिया, मैं राशन अब बंद करो इसको। तो मैंने फिर दो चीजें छोड़ी हैं बस, बाकी सब कुछ मैं खाता हूँ, सिर्फ दो चीज नहीं खाता, एक तो अन्न और एक मिल्क प्रोडक्ट, यानी एनिमल के शरीर से जो भी निकली हुई चीज है वो मैं नहीं खाता।
तो मां सोहिंडा वंडा मैं पहले नहीं खाता था, अब मैंने दूध दही लस्सी घी मक्खन और ये वो कर दिया, वो भी छोड़ दिया है। और अब मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को अभी रिवाड़ी जाना है ना, मैंने सब चीज वो मैडम ने सारी चीज तैयार करके दे रख दी है, ये मेरा लंच डिनर ये देखो ये रखा हुआ है, शायद आपको दिख जाएगा ये शाम थोड़ा तक का फ्लैर मेरा है बट दिख रहा है, व्यवस्था खाने की चीजें रखी हुई है टेबल पे। ओके है। तो सर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं? हाँ मैं फ्रेश दोपहर में स्प्राउट्स लेता हूँ, और बाकी पूरा दिन सुबह से शाम तक फिर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स शाम को भिगे हुए और बाकी टाइम फ्रूट्स लेता हूँ। सर और कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस कुछ नहीं जी, मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी जिस माध्यम से लोगों में अच्छी बातें फैला रहे हो और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इतने प्रवचन करने वाले और इतने धार्मिक उपदेशक और ये सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा आपको जितने हमारे यहाँ हैं, हर एक धर्म के कभी भी कोई भी चैनल चला के बैठो कोई ना कोई उपदेशक बैठे ही मिलेंगे वहाँ, और हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी आश्रम से, किसी चाहे किसी मंदिर से या मस्जिद से, हर गली में मंदिर है। तो उसका जो मेन मकसद है वो ये कि हम अच्छे व्यक्तित्व पैदा कर सकें, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में फसलों की, सब्जियों की, फलों की, पशुओं की, पक्षियों की नस्लें सुधारने का पूरा अभियान चला हुआ है, पर आदमी की नस्ल सुधारने के लिए तो माँ बाप ही काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई सरकार या कोई पॉलिसी बनाने का काम नहीं है। तो हम अच्छे सिटीजन्स दें, इंडिविजुअल एक आदमी पर्टिकुलर वो सोचे कि मैं आया हूँ तो मैं मेरे और मेरे परिवार को बाहर निकल के क्या कर सकता, कभी पूछो किसी से कोई पेड़ ही लगाया तो ना, कोई कभी कोई कहीं से कोई डस्ट या कोई कूड़ा उठा के तो ना गार्बेज तक पहुंचा दिया, तो ये जीवन सुधर जाए सर। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, आप कीमती टाइम आपने हमें दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।